अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन सोमवार को आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से परिषद की प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे, रजत गुप्ता, विष्णु प्रताप सिंह, नवनीत शर्मा सहित परिषद के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने परिषद के स्थापना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा स्रोत मानकर उनके बताए गए पदचिन्हों पर चलने की बात कही कि वो देश के भविष्य को बनाने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दे। इसलिए सबसे पहले 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नींव रख दी गई। 48 से इसके बारे में सोचा जाना शुरू हुआ और 9 जुलाई 1949 को इस संगठन की नींव रखी। और इस संगठन ने जो अपने सबसे बड़ा उद्देश्य जो निर्धारित किया वो ये था कि इस राष्ट्र का वो पुनर्जीवित और पुनर्निर्मित करेंगे, राष्ट्र को एक नई ऊर्जा नई जोश से भरेंगे। उसने ये देखा कि राष्ट्र को एक नया राह दिखाएंगे, एक नए जोश की तरफ, एक नई दिशा की तरफ हम राष्ट्र को ले जाएंगे। और इन भावना के साथ इस संगठन ने आगे चलना शुरू किया। आज आप देख रहे हैं 70 साल हो चुका है इसका और आज भी जो एक व्यक्ति जिसका नाम था प्रोफेसर ओम प्रकाश बहल, इन्हीं ने इनका जो एक श्रेय था जिन्होंने इस संगठन का नींव रखा, आज इस संगठन में लाखों की संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक जुड़े हुए हैं। और आपको एक अजीब लगेगा कि एक हमारी बहुत पुरानी वैदिक परंपरा थी जहां शिक्षक और विद्यार्थी एक साथ मिलकर, एक साथ रहकर, एक साथ सोचते थे, एकता समझते थे और समाज को दिशा देते थे। इस संगठन ने अपनी उसी परंपरा को अपना आधार बनाया और ये उद्देश्य निर्धारित किया कि परिसर एक परिवार है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिल करके एक परिवार की तरह परिसर को इस तरीके से बनाएंगे जहां पर देश के लिए एक जागृत, एक जागरूक, एक सेवा करने वाला, एक आगे बढ़ने वाला, एक समर्पित और संघर्षशील सृजनशील युवा हम तैयार करें। इसीलिए आज हम जिस विद्यार्थी परिषद की हम बात करते हैं, आज वो भाव वो शिक्षकों में और विद्यार्थियों में जगाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं खड़े हैं बल्कि ये संगठन दोनों को करीब लाता है। 70 साल की इस लंबी लड़ाई में आपको मैं ये भी बता दूं कि जो सबसे बड़ी बात है संगठन की, ये मात्र ऐसा छात्र एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन है जिसके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं, सब कुछ देश है। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, उससे बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है। जब हम अपने जितने भी कार्य, जितने भी उद्देश्य, जितने भी क्रियाकलाप करते हैं उसमें हमारा सबसे पहले राष्ट्र का उत्थान उसका उद्देश्य होता है। उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है कि हमारे हर कार्य, हमारे हर क्रियाकलाप, हमारे हर उद्देश्य किसकी ओर हमें ले जाए, जिससे राष्ट्र का उत्थान। और इसका आपको मैं बताऊं कि ये एक ऐसा संगठन है प्रति वर्ष जिसमें चुनाव होता है और प्रति वर्ष सबसे पहली इकाई इसकी कॉलेज इकाई जिसको इस संगठन का आधार कहते हैं। आप तो कॉलेज में पढ़ते हो ना, तो जो आपकी इकाई है यही सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। और ये भी कहा जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये जान है ये इकाई। इसके बाद आती है नगर इकाई जिसमें सभी कॉलेज के इकाइयों के बाद एक संवेद रूप से नगर इकाई बनती है जिसमें आप कुछ कार्यकर्ताओं को नगर में बैठा हुआ यहाँ देखते हैं। उसके बाद फिर सारे कई नगरों को मिलाकर के प्रांत बनते हैं जिसमें आप मुझे मेरे बारे में जान रहे हैं कि मैं प्रांत उपाध्यक्ष हूँ। तो इस प्रांत का जिसमें गोरखपुर भी है वो गोरक्ष प्रांत है, फिर प्रांत इकाई बनती है और उसके बाद बनती है राष्ट्रीय इकाई।